मैं एडमिट करना चाहूंगा कि इससे इमोशनल मूवी मैंने मार्वल की आज तक नहीं देखी होगी एंड ये मार्वल की बनाई वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवीज में से एक है। सो हे गाइस, क्या हाल है सबके। तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फाइनली मैंने देखा थिएटर्स में एंड मैं इतना ही कहूंगा कि दिस इज व्हाट वी नीड फ्रॉम मार्वल। बिना मूवी के लीड कैरेक्टर का उसके फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए रायन कुगलर की तारीफ बनती है एंड डोंट वरी, मैं इस वीडियो में स्पॉयलर्स नहीं दूंगा तो आप इसे एंड तक देख सकते हो। तो कहानी है ब्लैक पैंथर 1 के बाद की कि कैसे किसी कारणवश टीचाला जो कि वकांडा के महाराज थे उनकी मौत हो जाती है एंड ये चीज मूवी के स्टार्टिंग में ही एड्रेस कर दी जाती है एंड इवन मार्वल का लोगो भी ट्रिब्यूट था चैडविक बोजमैन को एंड पहली बार मार्वल के इंट्रो में कोई भी म्यूजिक नहीं था, पूरा सन्नाटा। इनफैक्ट इस पूरे मूवी में जब जब चैडविक बोजमैन का जिक्र होता है बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ नहीं आती, जो कि ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट एंड पिक्चराइजेशन था। फिर वकांडा अकेला है बिना अपने महाराज के एंड ऐसे में वकांडा का सारा भार टिचाला और शूरी की माँ क्वीन रिमांडा संभालती है, बट क्योंकि अब सम्राट नहीं रहे तो वकांडा के दुश्मन पनपने लगे हैं एंड उसके वाइब्रेनियम के लालच में भी, और सिर्फ धरती वाले ही नहीं समंदर वाले भी। एंड सच बताऊँ तो नामोर का इंट्रो एंड एंट्री इतना जबरदस्त दिखाया है कि ही वॉज द हाईलाइट ऑफ द मूवी। उसके ओरिजिन से लेकर उसके पावर्स एंड टालोकान के वासी के लिए उसका इमोशन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। फिर एक्टिंग की बात करूं तो सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूंगा एंजेला बैसेट को। आई मीन वाव, जो महारानी रेमोंडा का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड इमोशन, उसके लिए उनको ऑस्कर मिलना चाहिए। शी वॉज टेरिफिक। फिर नेक्स्ट बात करूं टेनोच ह्योटा की एज नामोर, मतलब बंदे ने खा डाला सबको। इसमें एक सीन था जब वो वकांडा में पहली बार बैटल करता है एंड वो देखकर एपिक लगा, मतलब बंदे ने पूरा माहौल क्रिएट कर दिया। फिर ऑब्वियसली लेटिशिया राइट एज श्यूरी, आई मीन इस मूवी का मेन फोकस ही श्यूरी के कैरेक्टर पर था एंड सबको पता था कि नेक्स्ट ब्लैक पैंथर कौन होगा, सो इट वॉज ऑब्वियस। बस मुझे श्यूरी एज ब्लैक पैंथर थोड़ी सी नाकाबिल लगी, क्योंकि वो वाली बात नहीं जम रही थी जो टिचाला में थी, ऑल्दो शी वॉज नॉट बैड एट ऑल। एंड स्पेशल मेंशंस में सबसे पहले तो डोमिनिक थॉर्न एज रीरी विलियम्स के लिए। आई मीन ये सब वॉर एंड ताम जहाँ सब रीरी के लिए ही तो हुआ था, जो आप मूवी में देखोगे तो पता चलेगा। एंड रीरी का एक सीन है मूवी में बिल्कुल आयरन मैन के फर्स्ट फ्लाइट से रिजेंबल करते हुए, जो कि सम सॉर्ट ऑफ दिखा रहा था कि वो आयरन मैन के स्टाइल को कितना कॉपी करती है। मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने जो कहानी लास्ट के वीडियो में अपनी प्रिडिक्ट की थी, इस बार वो 95% सही थी टू बी ऑनेस्ट। एंड अब तो लगता है जैसे कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। फिर विंस्टन ड्यूक एज एम्बाकू एंड लुपिता न्योंग एज नाकिया, जो कि परफेक्ट सपोर्टिंग कास्ट में थे। एंड हाँ, इस पूरे फिल्म का मेन पिलर जो था वो था ल्यूडविग गोरैनसन का म्यूजिक। इतने बेहतरीन म्यूजिक्स एंड सॉन्ग्स को सीन्स के साथ मूवी में ब्लेंड करके दिखाया है कि क्या कहना, हर तरह के ट्रेडिशनल से लेकर पॉप सॉन्ग्स का यूज किया है, जो कभी कभार आपको हाइप अप कर देगा एंड बहुत जगह इमोशनल भी। मतलब कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूंगा कि ये एमसीयू के आने वाली फिल्मों में इस साल की सबसे बेस्ट मूवी है, और यही नहीं, इसका अपना एक अलग टोन है जो इसे एट द सेम टाइम इमोशनल येट पावरफुल बनाता है। एंड ये पहली मूवी है आफ्टर एंड गेम जिसमें कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था। आई मीन मैं वेट करता रह गया, या बट वेट फॉर द मिड क्रेडिट सीन, आपके फेस पे स्माइल जरूर आएगी एंड इमोशनल भी हो जाओगे आप। सो ओवरऑल बात करूं तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है, जिसमें एक्शन, इमोशन, कॉमेडी सब है एंड ये एक सीरियस टोन पर भी चलती है एंड एमसीयू के फेस 4 का एंड इससे अच्छा हो ही नहीं सकता था। सो मैंने तो इस मूवी को बहुत इंजॉय किया। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपने वकांडा फॉरएवर देखा या नहीं, और अगर देखा तो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।